हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं इस पे क्या प्रॉब्लम है, कौन चीज़ से बच सकता है। तो आइए देखते हैं इस पे लाइट आ रहा है कि नहीं, देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा बैटरी का, तो इस पे करंट आ रहा है और ये माइनस और प्लस तार दोनों का कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद हम फिर देखेंगे इस पे हुआ क्या है। तो स्क्रू ये पूरा खुल चुका है और इसका जो कवर है, कवर को हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो इस पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि इस पे करंट क्यों नहीं जा रहा है और हुआ क्या है। तो दोस्तों, इसका वायरिंग पूरा ठीक है लेकिन करंट नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आ चुका है करंट इस पर, देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, लेकिन इसका आवाज़ हमें देखना होगा, क्या आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, साउंड इस पर कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो हमें जो आईसी है 6283 उसे हम चेंज करके फिर देखेंगे क्या इस पर आ रहा है कि नहीं। और ये FM पे है, आवाज़ आना चाहिए, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है रेडियो का। और तार पूरा कंप्लीट है, जुड़ा हुआ है। और एक बार फिर से हम देखते हैं इस पर टच करके डायरेक्ट स्पीकर पे। तो दोस्तों, डायरेक्ट स्पीकर पे भी कनेक्ट करने से भी आवाज़ नहीं आ रहा है, देख पा रहे होंगे। तो हमें इसका जो आईसी है उसे हम चेंज करेंगे। जो आईसी है 6283 इसे हम चेंज करेंगे। तो आइए इसको हम बाहर निकालते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, ये निकल चुका है और जो आईसी लगा हुआ है हम दूसरा इस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये आईसी बाहर निकल चुका है, देख पा रहे हैं कितना काला हो चुका है। तो दोस्तों, इस पे जो आईसी लगाना है तो हम इसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, जो इसका किट है, इस किट को।
तो दोस्तों ये बारी बारी से हम पूरा पूरा को हम साफ़ कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर दूसरा आईसी डालेंगे। तो दोस्तों ये पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है और इस पर हम आईसी इस पर लगाते हैं। और ये रहा इसका आईसी, ये पहले का आईसी है, ये रहा दोस्तों, तो उस पर आईसी लगाएंगे हम इस तरह से। तो दोस्तों आईसी लग चुका है और इसको हम अच्छी तरह से पूरा सोल्ड कर देंगे। देख पा रहे होंगे इसको हम सोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई एक तरफ किनारे से हम इसको सोल्ड करेंगे और किनारे किनारे से, ताकि हमारा सेफ्टी रहेगा आईसी। तो दोस्तों इस तरह से हम पूरा आईसी को सोल्ड ही कर देंगे। तो दोस्तों इस पे आईसी पूरा लग चुका है, पूरा सोल्ड हो चुका है और हम इसको एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं इस पर करंट देख के, क्या इस पर आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये रहा बैटरी का और तो देखेंगे इस पर आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी आवाज़ नहीं आया है, तो इसमें देखेंगे कहाँ से है। इसका फॉल्ट कहाँ से है, तो दोस्तों देख पा रहे होंगे इस पे आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों क्लियर हो चुका है कि आईसी ख़राब हुआ था, तो आइए इसको हम सेट करते हैं। तो दोस्तों इसको हम पूरा पैक कर देते हैं और फिर से एक बार चेक कर लेंगे क्या आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हम इसमें जो स्क्रू लगा हुआ है और इस पर टाइट हम कर देते हैं। तो दोस्तों ये टाइट हो चुका है एक तरफ। ठीक उसी दूसरे तरफ। तो दोस्तों पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है ये, देख पा रहे होंगे। और इस पर हम फिर से लाइट दे के देखेंगे आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो ये रहा बैटरी वाला और लगा दिया। तो देख पा रहे होंगे आवाज़ आ रहा है, कट रहा है थोड़ा, बैटरी इस पर ठीक से लग नहीं रहा है, इस वजह से कट जा रहा है इसमें लाइट।